वक़ार की वालदा मिसेस अजमत मुसलसल उसको पुकार रही थी, जबकि वक़ार हसबे मामूल लंबी तान कर सोया हुआ था। उसकी वालदा उस पर बहुत हैरान हुई थी कि कैसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला इतनी लंबी तान कर सो जाता है। बेटा उठ जाओ, 11 बज गए हैं। क्यों तंग कर रही हैं मामा? वक़ार हसबे मामूल नागवारी से बोला। सोने देना मुझे। मिसेस अजमत ने आगे बढ़कर उससे कंबल छीन लिया और फिर एक बार उसको उठाने की कोशिश में कोशा हो गई, और वक़ार हसबे मामूल आंखें मलता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अजमत बेग और मिसेस अजमत की लव मैरिज हुई थी, उनकी 2 औलादें थीं। तहम अजमत साहब पहले से शादीशुदा भी थे, उनकी बीवी वफात पा चुकी थी, इसलिए उन्होंने मिसेस अजमत से दूसरी शादी कर ली। उनके बड़े बेटे का नाम वक़ार और बेटी का नाम नादिया था, जिसे प्यार से सब नाजी कहते थे। उनकी ज़िंदगी मुकम्मल थी, वो सभी खुशगवार और मिसाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। अजमत साहब का बिजनेस के ममालिक में फैला हुआ था, जिसे सिर्फ अजमत साहब ही संभाल रहे थे। मालो जायदाद अजमत साहब को विरासत में मिली थी। शादी से पहले मिसेस अजमत एक ब्राह्मण हिंदू थी, लेकिन बाद में इस्लाम का मुताला करने के बाद वो मुसलमान हो गईं। उनके वालिद बचपन में ही मर गए थे। वो अपने 2 भांजों के साथ थी। फिर उनकी मुलाकात अजमत साहब से हुई और वो इस्लाम कबूल करके उनके निकाह में आ गईं, जिस पर उनके दोनों भांजों ने उनकी शदीद मुखालफत की। वो 23 जून का एक गर्म दिन था, जब अजमत बेग साहब एक रोड एक्सीडेंट में अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। मिसेस अजमत के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था, फिर भी उन्होंने हौसला ना हारा। अजमत साहब के बिजनेस को संभाल कर अपने बच्चों की तरबियत में मशगूल हो गई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त नाजी 3 बरस के और वक़ार 5 बरस का था। ईद उल फितर आने में एक दिन बाकी था। ये पहली ईद थी जो मिसेस अजमत बेवा होने के बाद गुजारने वाली थी। वो सभी शॉपिंग के लिए गए। नाजी पानी पीने के लिए मार्केट से बाहर आई और रास्ता भूलकर अपनी फैमिली से बिछड़ गई। मिसेस अजमत और वक़ार ने मिलकर उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिली। आबादी से दूर तो एक सरसब्ज पहाड़ था, जिसमें गार बनी हुई थी। गार में इस वक्त रोशनी आ रही थी। ये रोशनी उस आग की थी जो इस वक्त गार में सोलानी ने लगा रखी थी। वो एक इंसान को मंत्र याद करवा रही थी। अजीत, तू काला जादू सीखकर क्या करेगा? सोनाली ने पूछा। मुझसे ज्यादा काले जादू की माहिर तू है, तू क्या करेगी? अजीत ने जवाब देने के बजाय उससे सवाल दोहराया। मैं तो शैतान आका की दासी हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपना माजी जानना। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ कौन है, क्या है, बाप का क्या नाम है। परंतु अगर शैतान आका ने मुझे ये बात फरामोश करने की आज्ञा दी, तो मैं इस आज्ञा का पालन करूंगी, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है खुद को शैतान की दासी ही पाया है। मैं शैतान देवता की दासी हूँ और मैं उसकी सेवा करती रहूंगी। हाँ, तेरी वफादारी देखकर ही शैतान देवता तुम्हें नई नई शक्तियाँ देता है। कल ही उसने तुम्हें हवा में उड़ने की शक्ति से नवाजा है। हाँ अजीत, ये तो मेरे आका की कृपा है, वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। लगता है तुमको अमर होने का तरीका भी एक रोज बता देंगे। हाँ अजीत, अगर मैं अमर हो गई तो दुनिया में हर तरफ मेरे शैतान आका का ही चर्चा होगा और मैं उस दुनिया में हुकूमत करूंगी। और इस तरह तू अपना माजी भी जान पाएगी? उसने सवाल किया। हाँ अजीत, मैं अपना माजी भी जान लूंगी। अरे छोड़ो, तुम जाओ, अब काफी रात हो गई है, सोनाली ने कहा, और अजीत निकल पड़ा। डिफेंस में वो महलनुमा कोठियां बिल्कुल आमने सामने थी, एक अजमत बेग साहब की और दूसरी राम गोपाल की। राम गोपाल नया नया पाकिस्तान आबाद हुआ था। उसकी 4 औलादें थी, एक बहन भी थी जिसकी अब तक शादी ना हो सकी थी, क्योंकि वो एक जहनी मरीज थी। उसको पागल खाने में एडमिट करवा दिया था। राम गोपाल के सबसे बड़े बेटे का नाम अर्जुन गोपाल था, जो एक कामयाब हार्ट सर्जन था। उसके अलावा उसका अपना एक जाती अस्पताल था। राम गोपाल का छोटा बेटा राजगोपाल कॉलेज में BSc कर रहा था। दोनों भाइयों से छोटी प्रीति गोपाल थी, जो सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। सबसे छोटा प्रदीप था, जो बहुत ही शरारती था।